असम की मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने अपनी प्रेस वार्ता में एक और मुद्दे को खड़ा कर दिया है। उन्होंने प्रेस वार्ता में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा में बॉडी डबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल हिमंता बिस्वा सरमा ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि न्याय यात्रा में राहुल गांधी का बॉडी डबल बस के बाहर रहता है और वो खुद बस में बने खास कमरे में रहते हैं। एक असम में एक बहुत बड़ा प्रश्न भी खड़ा कर दिया है इंडिया टुडे एनी ने कि वो बॉडी डबल यूज किया था बस में, मतलब बस का सामने जो राहुल गांधी को दिखाई देते हैं वो राहुल नहीं होता है। राहुल अंदर में 8 लोगों को बैठने का एक उनका कमरा है, वो कमरा में बैठता है, बाहर ही यूज ए बॉडी डबल। दैट इज द क्वेश्चन ए चैनल हैज पोस्ट इंडिया टुडे एनी, इज राहुल गांधी बॉडी डबल पार्ट ऑफ भारत जोड़ो यात्रा। आप देखो ये सामने जो लोग बैठा है उसको राहुल गांधी नहीं लगते, दूर से राहुल गांधी लगते हैं। मैंने तो देखा नहीं हूं बट आप ये ट्वीट देख लीजिए। नहीं, मैंने मुझको कांग्रेस का लोग इतना ही बताया कि अंदर में 8 लोग बैठने का बस में बहुत ज्यादा स्पेशल जगह है, ज्यादातर समय वही रहता है, तो बस का सामने कौन रहता है जो लोगों को आप लोग फोटो खींचता है राहुल राहुल बोल के। तो ये इंडिया टुडे एनी हैज ट्वीटेड कि इज राहुल गांधी बॉडी डबल पार्ट ऑफ भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 12वां दिन है जिसने पश्चिम बंगाल में आज प्रवेश किया है। उनके पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने के साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी सांसद अधीर रंजन चौधरी ने उनका स्वागत किया।